एंड वैसे भी कई जमात हैं जिन्होंने कई जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कई हैं जिन्होंने जो शहीद हुए देश के लिए, सो व्हाई नॉट। बट नाम फिक्टिशियस हैं, कहानी काफ़ी हद तक अबाउट 95% हकीकत है, बट चूंकि डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे और सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते थे, कई चीज़ें मुझे थोड़ी ऐड की, बट सब कुछ वही है जो हुआ। जी बॉर्डर की लड़ाई भारत पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है उस दौरान, और आईजी का भी रोल उस टाइम ये रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी पहली चीजें वो तैयार कर रहा है लड़ाई की, पंद्रह में देखा जाए, और एक सेंसिटिव मुद्दा भी आते हाथ में देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो आपने उस दौरान जब फिल्म का जो कंसेप्ट सोचा है, क्योंकि बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, तो क्या उस प्रारूप में आपने क्या क्या चीजें उस तरीके को देखा है आपने, और क्या क्या लाने की कोशिश करी है कि वही चीजें आज हालात में आ जाए? मतलब मतलब क्या हुआ सवाल, आज बहुत चीजें बदल गई है जी, बहुत चीजें बहुत पुरानी रही है, 1970 की लड़ाई है जो भी मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, देश अलग हुआ, तो उस दौरान क्या क्या चीजें रही और आज के हालात बदल गए हैं, तो आपने उनको क्या कह दी? थोड़ी कंफ्यूजन तो है सवाल की, मैं जितना मुझे समझ आता है बता देता हूँ कि सर चीज़ें तो बदल गई हैं मगर लोग नहीं बदले हैं। इमोशन, देशभक्ति, ये सब वही है, पागलपन देश के वही है। और मैं अक्सर वैसे मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे स्कूल में कि यार तुम्हारे फादर आर्मी में गए हैं, तुमको डर नहीं लगता है? पर कई चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं है, और जब आप नहीं सोचते तो डर वगैरह लगता नहीं है। हम लोगों ने 1971 का दशक दिखाया है, और चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जिस तरह से कैरेक्टर्स के बाद सब कुछ पे इतना काम किया है ताकि हम रियलिटी के पास रहें। और तब्दीली तो आई है, बट अगर आप कुछ काम करना होता है, जैसे आज के ज़माने में टेलीफोन हैं, अगर कुछ हो रहा है एक सेकंड में पता लग जाता है, उस टाइम मोर्स कोड इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कई लोग जानते हैं इसके बारे में, मगर कैसे इस्तेमाल करते थे पता नहीं है, कितनी वैल्यू थी पता नहीं, वो सब दिखाया है। बहुत जाने माने चेहरे हैं फिटनेस इंडस्ट्री के, और आज हमारे देश के पहलवान जो हैं आज थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से उनकी मांग है, उनकी मांगों पे थोड़ा सा अड़चने आ रही हैं, तो आपको भी आई थिंक पूरा ये सब पता होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो देश के लिए आज मतलब जो गोल्ड लेके आए हैं हमारे देश के लिए, उन्हें आज धरने पर बैठना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? नहीं, थोड़े पहली बात तो ये है कि जैसे आपने शुरुआत की कि परेशान है, चाहे वो एथलीट हो चाहे वो कोई भी अपने देश के इंसान है, तो परेशान है, उनकी मदद तो करनी चाहिए, उनकी सुन तो लेनी चाहिए, एंड आई थिंक सुना तो जा रहा है। बट एज एन एथलीट आई वुड लाइक टू से दैट एथलीट की ना आवाज़ सुनते हैं मगर कुछ करते नहीं है, पर आई हैव अ फीलिंग इस बार तब्दीली आएगी, जो सही होगा होगा। थैंक यू, थैंक यू सर। नाम सर फिक्टिशियस है, नाम देव वो नाम था जो उनमें से हमें लगा कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायरेक्टर को लगा कि क्योंकि हम फिल्म पूरी जम्मू और कश्मीर में बेस्ड है, तो उन्होंने कहा कि ये टाइटल कर सकते हैं। एंड वैसे भी कई जमात हैं जिन्होंने कई जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कई हैं जिन्होंने जो शहीद हुए देश के लिए, सो व्हाई नॉट। बट नाम फिक्टिशियस हैं, कहानी काफ़ी हद तक अबाउट 95% हकीकत है, बट चूंकि डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे और सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते थे, कई चीज़ें मुझे थोड़ी ऐड की, बट सब कुछ वही है जो हुआ। जी बॉर्डर की लड़ाई भारत पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है उस दौरान, और आईजी का भी रोल उस टाइम ये रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी पहली चीजें वो तैयार कर रहा है लड़ाई की, पंद्रह में देखा जाए, और एक सेंसिटिव मुद्दा भी आते हाथ में देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो आपने उस दौरान जब फिल्म का जो कंसेप्ट सोचा है, क्योंकि बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, तो क्या उस प्रारूप में आपने क्या क्या चीजें उस तरीके को देखा है आपने, और क्या क्या लाने की कोशिश करी है कि वही चीजें आज हालात में आ जाए? मतलब मतलब क्या हुआ सवाल, आज बहुत चीजें बदल गई है जी, बहुत चीजें बहुत पुरानी रही है, 1970 की लड़ाई है जो भी मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, देश अलग हुआ, तो उस दौरान क्या क्या चीजें रही और आज के हालात बदल गए हैं, तो आपने उनको क्या कह दी? थोड़ी कंफ्यूजन तो है सवाल की, मगर जितना मुझे समझ आता है बता देता हूँ कि सर चीजें तो बदल गई हैं मगर लोग नहीं बदले हैं। इमोशन, देशभक्ति, ये सब वही है, पागलपन देश के वही है। और मैं अक्सर वैसे मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे स्कूल में कि यार तुम्हारे फादर आर्मी में गए हैं, तुमको डर नहीं लगता है? पर कई चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं है, और जब आप नहीं